हमीरपुर के बोहनी में फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ये कैंप आशादीप जन कल्याण संस्था लम्बलू द्वारा लगाया गया। चंडीगढ़ से आए हुए डॉक्टर ने लोगों का स्वास्थ्य जांचा। पिछले 3 सालों से संस्था लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। बोहनी में आयोजित फ्री चिकित्सा शिविर में देर शाम तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई, जिसमें हृदय रोग, हड्डी रोग, गठिया, ब्लड प्रेशर के अलावा अन्य बीमारियों की जांच की गई और दवाइयां भी फ्री में दी गई। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष नीरज ठाकुर ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया और चंडीगढ़ से आए हुए डॉक्टरों का स्वागत किया। वहीं शिविर में हमीरपुर जिला से दूर दूर से आए हुए मरीजों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। संस्था के अध्यक्ष नीरज ठाकुर ने बताया कि इस साल लोगों की सुविधा के लिए 5 कैंप लगाए जाएंगे, ताकि गरीब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्था का एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा की जा सके। आशादीप संस्था है लम्बलू, जिससे हमने लगातार 3 सालों से हमारी संस्था काम कर रही है और हमने इसमें 5 कैंप लगा चुके हैं, जिससे 10,000 मरीजों को लाभ पहुँचा चुके हैं। और आज भी हमारा जो कैंप लगा है बहुत अच्छा कैंप है, यहाँ से 300-400 मरीज इस टाइम तक डॉक्टर साहब देख चुके हैं और अभी भी रस पड़ा हुआ है। और जो भी यहाँ से मरीज जो दिखा के जाते हैं यहाँ पे, उनको हमारे डॉक्टर साहब व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू दवाई वगैरह वहाँ से लिखवा देते हैं, ताकि लोग यहाँ पर दवाई आसानी से ले सकें, चंडीगढ़ के लिए इतने दूर जाना ना पड़े। और हमारी संस्था का हर वक्त यही प्रयास रहेगा कि गरीब आदमियों की मदद हो और इनको हर प्रकार से लाभ पहुंचा सके। साल में 2 कैंप लगाए थे और इस साल हमारा ये पहला कैंप है, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल 5 कैंप लगाए जाए, ताकि हमारे जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो दूर तक दवाई ले नहीं सकते हैं, लोगों गरीब आदमियों के पास पैसे नहीं होते हैं जाने के लिए। तो मेरी यही प्रयास रहेगा कि मैं हर वक्त इन लोगों की सेवा करता रहूं और ये लोग मुझे आशीर्वाद देते रहें और इनकी हर प्रकार से मैं इनको लाभ पहुंचाऊं, ताकि इनका हर वक्त सही तरीके से इलाज किया जाए, ताकि लोग बीमारियों से स्वस्थ रहें। चंडीगढ़ से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज ने कहा कि आज 200 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा गया है और ज्यादातर मरीजों में हृदय रोग की बीमारी पाई गई है। स्मोकिंग ज्यादा करने से बीमारी हुई है, तो बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द से पीड़ित होने पर उपचार किया गया है। नंबर और एड्रेस दे दिया है। काफी सारे तो ऐसे हैं, जैसे हमने उनको कहा कि व्हाट्सएप पे हमें सारी रिपोर्ट्स भेज दें तो हम उनकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकते हैं। एक हमारे काम ही करते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में, वो यही आसपास के गांव के ही हैं, तो हम उनको भेज के उन सब से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह से, और ये फॉलो अप कैंप भी किया जा सकता है। किडनी स्पेशलिस्ट हूँ मैंने काफ़ी सारे टाइम वैसे हमीरपुर जिले में बिताया है डॉक्टर बनने से पहले का, क्योंकि मेरे फादर यहीं पोस्टेड थे, तो मेरे को तो